Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about another topic of pathology of female reproductive system, that is endometrial cancer. देखिए endometrial carcinoma जो है ये काफ़ी common gynecological malignancy मानी जाती है. ये एक prominent disease है जो कि पेरीमेनोपॉज़ल और पोस्ट मेनोपॉज़ल वेमेन के ऊपर काफ़ी देखी जाती है. 61 ईयर्स के अंदर ये डायग्नोज ज़्यादा हुई है. केवल 5% पेशेंट्स ही जो हैं वो 40 ईयर्स से कम एज के ऐसे होते हैं, यंगर पेशेंट्स जिनको ये कैंसर होता है. ये ओवेरियन कैंसर से ज़्यादा दुगुनी रेट में पाया जाता है और इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स से कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस देखने को मिलती है. ओवेरियन कैंसर जो है हालांकि ज़्यादा खतरनाक कैंसर नहीं है, पर एंडोमेट्रियल कैंसर का हॉलमार्क या कुछ अर्ली सिम्टम जैसे पेरीमेनोपॉज़ल या पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग इसके अंदर हो जाती है और इसके अंदर फिजिशियन को एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जो है वो आवश्यकता पड़ती है इसको डायग्नोस करने के लिए. इस बायोप्सी से जो है हमें फेवरेबल स्टेज का पता चल जाता है और उससे हम मोर्टिलिटी को रिड्यूस करने में हमें सहायता मिलती है. इसके रिस्क फैक्टर्स देखें तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया से ओरिजिनेट होता है, अनअपोज्ड एंडोजिनस या एक्सोजिनस एंडोजिनस एस्ट्रोजन जो है वो इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाने वाला रिस्क फैक्टर है, चाहे वो एंडोजिनस एस्ट्रोजन हो चाहे एक्सोजिनस एस्ट्रोजन जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा है. उसके कॉन्सिक्वेंस के रूप में एंडोमेट्रियल में हाइपरप्लेसिया हो जाता है और फिर ये एंडोमेट्रियल कैंसर का रूप ले लेता है. इसके रिस्क फैक्टर में सबसे कॉमन है ओबेसिटी, ओवरवेट महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है. इसके अलावा दूसरा है जो कैलोरी टोटल इंटेक ऑफ कैलोरी जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट से ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. जो एनिमल फैट फ्राइड फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं ब्रेड सिरल्स वगैरह के रूप में. इसके अलावा इनफर्टिलिटी की, नलीपैरिटी की हिस्ट्री जिनमें पाई जा रही होती है, जिनमें मिनार्क बहुत जल्दी आ जाता है, मीनोपॉज बहुत लेट आता है, उनमें भी इस कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. बीपी जिनकी हाई रहती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट है या किसी में क्रॉनिक एन ओव्यूलेटरी स्टेट जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी कंडीशन है तो उनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. फंक्शनल ओवेरियन नियोप्लाज्म जैसे एपिथेलियल ओवरी के कैंसर्स या ग्रैन्यूलोसा सेल के ट्यूमर जिनमें हो जाते हैं या पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग जिन महिलाओं में देखी जा रही होती है तो उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर इनको हम मानते हैं और एज तो है ही खैर. इसके अलावा वही जो अनअपोज्ड एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे होते हैं तो उनमें भी इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. एस्ट्रोजन डोज और ड्यूरेशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितने चांसेस बढ़ेंगे. इसके अलावा टेमोक्सिफेन का अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा हो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए पोस्ट मेनोपॉज़ल वेमेन के अंदर तो उनमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लोग ले रहे होते हैं उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ते नहीं हैं बल्कि कम हो जाते हैं. जैसे प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं तो उनमें थोड़े से चांसेस कम होंगे क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है. स्मोकिंग जो है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन की बायो अवेलेबिलिटी को भी कम कर देता है. तो ये स्मोकिंग का एक बेनिफिट है कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को कम करता है. पर भाई लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह जो है वो ज़्यादा हो जाती है. खाली हम एक चीज़ को नहीं, एक फैक्टर को नहीं ले सकते हैं. अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं. एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ फिजियोलॉजिक कंडीशंस हैं जो एस्ट्रोजन एक्सेस से रिलेटेड होती है जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पैपिलरी सिरोस, क्लियर सेल या एडिनोस्क्वैमस वेरियंट्स देखे जा रहे होते हैं.
हेरिडिटरी फॉर्म्स एंडोमेट्रियल कैंसर के हालांकि रेयर होती है, पर फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्लिनिकल पिक्चर्स क्या होता है, जिनमें एंडोमेट्रियल कैंसर होता है उनमें सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, 80% ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलती ही है। ये हॉलमार्क है पोस्ट मीनोपॉजल वेमेन के अंदर कि हो सकता है उनको एंडोमेट्रियल कैंसर हो। इसके अलावा ड्रामेटिक डिस्टर्बिंग हो जाती है इमीडिएट रिस्पॉन्स में पेशेंट और फिजिशियन जब ये देख रहे होते हैं ऐसे ब्लीडिंग को। इसके अलावा लेट सिम्टम्स में पेन हो सकता है, प्रेशर सिम्टम दिख सकते हैं, यूरिनरी के सिम्टम्स और कैचेक्सिया वेट लॉस देखा जा सकता है। साइन के अंदर पेशेंट ऐसा दिख वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस वो ओबेस होता है, हाइपरटेंशन का शिकार होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, इनफर्टिलिटी उनमें देखने को मिल रही होती है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के रूप में, उनकी स्किन पीली पड़ जाती है ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से, यूट्रस में पैल्पेशन होता है प्लस यूट्रस एनलार्ज दिखाई देता है, लेट स्टेज में फिक्स हो जाता है और वेजाइना ओवरी में भी चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं, ये सेकेंडरी चेंजेस हैं। स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं भाई, साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग कर सकते हैं 50% पेशेंट्स में पेपेनिक्युलो स्मियर का जो रिज़ल्ट है वो एबनॉर्मल रिज़ल्ट देखने को मिलता है। साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन कर सकते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग इसमें रिकमेंड नहीं होती है। हाई रिस्क ग्रुप के अंदर पेपेनिक्युलो स्मियर बनाता है पोस्ट मीनोपॉजल वेमेन में, तो वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी को भी फिर इंडिकेट करेगा अगर वो पॉजिटिव आ गया तो। इसकी पैथोलॉजी क्या है, अधिकतर जो कैंसर की फॉर्म्स है वो एंडोमेट्रियम में एडिनोकार्सिनोमा के रूप में अराइज होती है। इसकी डिस्टिंक्ट हिस्टोपैथोलॉजिक टाइप्स देखने को मिल रहे होते हैं, अलग अलग बायोलॉजिक बिहेवियर भी देखने को मिलता है। एडिनोकार्सिनोमा हमने कहा मोस्ट कॉमन है, ये लेजन्स पैपिलरी हो सकता है, सिक्रेटरी नेचर के और सीलिएटेड हो सकते हैं। एनाप्लास्टिक ट्यूमर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एनाप्लास्टिक जिसकी मॉर्फोलॉजी आप पहचान नहीं सकते उसको एनाप्लास्टिक ट्यूमर कहते हैं। डिग्री ऑफ कार्सिनोमा के डिफ्रेंसिएशन जो है वो साइटोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल क्राइटेरिया पर डिपेंड कर रही होती है। बस ठीक है, आगे की लैंग्वेज के लिए कोई खास जरूरी नहीं है। इसके अलावा वेल डिफ्रेंशिएटेड लेजन्स, मैंने कहा एनाप्लास्टिक में तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, पूरा टिश्यू एक जैसा दिख रहा होता है, प्लस आपको वेल डिफ्रेंशिएटेड लेजन्स भी दिख सकते हैं, पूल डिफ्रेंशिएटेड लेजन्स भी दिख सकते हैं, उसमें मेटास्टासिस देखा जा सकता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में अब कौन कौन से फॉर्म है, एंडोमेट्रॉइड होता है जो कि डिफ्यूज थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियल सरफेस में, सिरोस ट्यूमर हो सकता है, खाली नाम नाम पढ़ लीजिए आगे आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज खाली नाम पढ़ लीजिए। जैसे फर्स्ट मैंने बोला कि एंडोमेट्रॉइड देखने मिलता है, दूसरा सिरोस होता है, तीसरा क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है जो 4% केसेस में देखने मिलता है, काफ़ी एग्रेसिव होता है। म्यूसिनस कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है, ये प्राइमरी एडिनो कार्सिनोमा होता है जो कि बाद में म्यूसिन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक म्यूसिन रिलीज करने लग जाता है, म्यूसिन में ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है, ये कॉलोनिक एपिथेलियम जैसा दिखाई देता है। स्क्वैमस कार्सिनोमा हो सकता है एंडोमेट्रियम में, हालांकि ये बहुत रेयर होता है प्योर, तो प्री एंटीबायोटिक एरा से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा एडिनो कार्सिनोमा विद स्क्वैमस डिफ्रेंसिएशन ये काफ़ी कॉमन होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा ये भी रिलेटिवली अनकॉमन है, और मिक्स जिसमें कंबाइंड टाइप्स के दिखाई दे रहे होते हैं जो ऊपर अभी अपन ने नाम पढ़े। इसके अलावा अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट आपको दिखाई देगा, चेस्ट एक्सरे आपको एबनॉर्मल मिलेगा जिसमें पल्मोनरी मेटास्टासिस देखने को मिल सकता है कि भाई हो सकता है वो एंडोमेट्रियल कैंसर लंग में चला गया हो, इसलिए हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज में देख सकते हो बेरियम एनिमा के थ्रू, हालांकि जरूरत तो नहीं है बेरियम एनिमा की, पर फिर भी आप बोन को भी स्कैन कर सकते हो तो पता चल जाए बोन में फैला है क्या। इसका रिकरेंस एंडोमेट्रियल कैंसर मेटास्टिसाइज हो सकता है, मतलब दूर दूर जा सकता है, जैसे इंट्रा एब्डोमिनल रीजन में जा सकता है। हीमेटोलॉजिकल स्प्रेड इसका हो सकता है, लिम्फेटिक के द्वारा ये फैल सकता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है लोकल रिकरेंस की, वेजाइनल कफ इसकी कॉमन साइट है। डिस्टेंट मेटास्टासिस में लंग लीवर एब्डोमेन में ये जा सकता है। बस अब इसकी पैथोलॉजी में आपको इसकी स्टेजिंग वगैरह लिखनी होती है, जैसे ट्यूमर फर्स्ट ए स्टेज के अंदर ट्यूमर जो एंडोमेट्रियम तक लिमिटेड रहेगा, फर्स्ट बी में ये 50% मायोमेट्रियम में इन्वेड कर जाएगा, फर्स्ट सी के अंदर ये 50% से भी ज़्यादा जो है मायोमेट्रियम में चला जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मायोमेट्रियम को कवर कर लेगा,
सेकंड ए स्टेज के अंदर ये एंडो सर्वाइकल ग्लैंडुलर को भी इन्वॉल्व कर लेता है और सेकंड बी में सर्वाइकल स्ट्रोमल इन्वेजन इसका देखने को मिलता है। थर्ड ए में ट्यूमर सिरोसा या एडनेक्सा या पॉजिटिव पेरिटोनियल साइटोलॉजी को इन्वेड कर लेता है। थर्ड बी में वेजाइनल मेटास्टासिस का देखने को मिलता है। थर्ड सी में मेटास्टासिस पैल्विक और पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में देखने को मिल सकता है। फोर्थ ए में ट्यूमर जो है ब्लैडर और बोवल म्यूकोसा तक फैल जाएगा, इन्वेजन का मतलब है फैलना। और फोर्थ बी जो लास्ट स्टेज है इसमें दूर दूर तक इसका मेटास्टासिस देखने को मिलता है, जैसे इंट्रा एब्डोमिनल साइट, इनगुइनल नोड्स वगैरह के अंदर। बस इसके साथ ही अपना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कोई डाउट होता आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।